नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम अपने करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस करेंगे 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जिसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और जैसा कि आप सब लोग को पता है, करंट अफेयर हमारे हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप वन डे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि लास्ट हम कुछ सालों का पैटर्न देखें तो हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इवन स्टैटिक्स पोर्शन भी जो है वो हमारे करंट से ही रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास कोशिश करिए आप लोग मिस ना करें, डेली जो है करंट अफेयर्स के सेशन को फॉलो करें, अपनी नोट्स बनाएं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक पेन लेकर के बैठे। क्लास के दौरान कुछ और भी जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करें, रिवीजन करें। तो करंट अफेयर्स देखिए, ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, और ये एक दिन भी पढ़ने वाली चीज़ नहीं कि एक दिन हम पढ़ लिए तो बाकी सब कुछ तैयार हो जाएगा। नहीं, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना होगा, डेली अपडेट होना होगा, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो नई चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपको अवेयर होना होगा, तब जाके आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो तैयार होगा। तो इसे इतना बिल्कुल रेगुलर फॉलो करें आप लोग, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि देखिए, कुछ अभी कलर पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि रेड से आप लोग को इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि देखिए, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ था और इसकी विनर भी सामने आ गई हैं। तो यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2022 की जो विजेता चुनी गई हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और ऑप्शंस देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो ये चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, ठीक है। आर्गोनी गैब्रियल जो है इस साल की मिस यूनिवर्स रही हैं 2022 की, लास्ट ईयर इंडिया से थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मिस यूएसए हैं, और ये ध्यान रखेगा तो यूएसए की हैं ये, आर्गोनी गैब्रियल 28 वर्षीय हैं ये। और यहाँ पे जैसा कि आयोजन हुआ है न्यू, यहाँ जो आपका है ऑर्लिसियंस, ठीक है, लुसियाना में आयोजन किया गया है मिस यूनिवर्स कंटेस्ट, जिसमें देखा जाए मिस यूनिवर्स जो बनी है वो मिस यूएसए बनी है, आर्गोनी गैब्रियल बनी है, ध्यान रखेगा। और ये इस वर्ष की जो है 71वीं ये मिस यूनिवर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। इनके बारे में बात किया जाए तो ये एक मॉडल है, फैशन डिजाइनर है, सिलाई प्रशिक्षक है, ठीक है। और ये अपने काम में पर्यावरण को प्राथमिकता देती है, ठीक है, अपने काम में ऐसा इनका जो काम है वो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना इनका मेन उद्देश्य रहता है, ठीक है। पिछले साल की विजेता जो बात करें कौन थी दोस्तों 2021 में, तो हरना सिंधु थी, ठीक है, जिन्होंने हरना सिंधु जिन्होंने इनको ताज पहनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें इसके साथ ही जो मिस यूएसए जीतने वाली, इनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मिस यूएसए जीतने वाली पहली फिलिपिनो अमेरिकी भी है ये, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर हम फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप की बात करें तो ध्यान रखिएगा वेनेजुएला की है ये फर्स्ट रनर अप अमांडा डुडामेल, और वही बात करें डोमिनियन रिपब्लिक की जो एंड्रिना मार्टिनेज है वो दूसरी रनर अप है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला की ये है फर्स्ट रनर अप और ये सेकंड रनर अप है, ठीक है, डोमिनियन रिपब्लिक की। और ये मिस यूएसए रह चुकी है, इस साल की मिस यूनिवर्स है ये। भारत की तरफ से देखिए दिविता राय जो गई थी, लेकिन ये टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाई। अगर हम बात करें दिविता राय की तो ये कानपुर की है, ठीक है, माफ करिएगा कर्नाटक की है ये। और ये जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का भी इन्होंने खिताब जीता था, लेकिन मिस यूनिवर्स में ये टॉप 5 में भी जगह नहीं बना सकी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से किसने जो है पार्टिसिपेट किया था मिस यूनिवर्स में, तो दिविता राय ने किया था, कर्नाटक की है ये। और ये मिस दिवा यूनिवर्स भी रह चुकी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। और इनको ताज किसने पहना है दोस्तों, जो पिछले वर्ष की थी भारत की थी मिस यूनिवर्स, हरनाज संधू ने पहना है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कहां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है ये हर साल आयोजित की जाती है, वार्षिक बैठक है, और 2023 की जो बैठक है वो की जा रही है दावोस।
स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका जो है बैठक किया जा रहा है, अक्सर वहीं पे होती है ये बैठक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है फोरम की जो ये बैठक है, ठीक है, 53वीं बैठक है ये, और इसके जो है आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के दावोस में। ये 16 जनवरी से ये बैठक शुरू हुई है, 20 जनवरी तक ये बैठक चलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये एनुअल बैठक है जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जा रहा है। 53वीं बैठक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कौन सी है ये 53वीं बैठक है ये, और ये ध्यान रखिएगा इस बैठक का विषय क्या है, थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खंडित विश्व में सहयोग, कोऑपरेशन इज अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बैठक के दौरान बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा किया जाएगा, इवन उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो वर्तमान में विश्व के सामने समस्याएं हैं। तो देखा जाए इस बैठक के दौरान उन समस्याओं को स्पेशली संबोधित किया जाएगा, उनके समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि इस समय दुनिया के सामने देखने को मिल रही है, जिसमें से प्रमुख देखिए कौन कौन सी समस्या। एक तो आप देखें रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये विश्व को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये जो है रूस यूक्रेन संकट है, वैश्विक मुद्रा स्फीति है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट विश्व में बढ़ रहा है उससे क्या है विकास दर काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन तो आजकल देखा जाए हर जगह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में चर्चा हर मंच पर किया जा रहा है। ये आपने देखा होगा क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और ये लंबे समय तक करेगा, और इसका एक दीर्घकालिक हमें समाधान देखना होगा, और यही कारण है कि हमें हर इंपॉर्टेंट समिट्स में इस बारे में चर्चा देखने को मिलती है। अन्य विषयों की बात करें तो यहाँ पे नई ऊर्जा, नौकरियां, यात्रा, पर्यटन, स्वास्थ्य, तकनीकी और बैंकिंग, इन सारे विषयों पे जो है चर्चा किया गया। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया, बहुत जो है देखा जाए विश्व के नेताओं में सबसे यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेन, वही जर्मन चांसलर है कौन जो दोस्तों यहाँ पे ओलाफ शोल्स, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष ध्यान रखिएगा रोबार्टा मेट्सोला, इन लोगों के साथ ही और भी जो है शासनाध्यक्ष और भी देशों के अध्यक्ष नेता ने इस बैठक में भाग लिया, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक जो है वो दावोस में हुई है, थीम याद रखिएगा खंडित विश्व में सहयोग, एक तरीके से जो बिखरा विश्व है उसमें एक दूसरे का सहयोग करना, यही इसकी थीम थी। तो काफी इंपॉर्टेंट हुआ है ये, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो जो उस राज्य में जो अंधेपन का जो जो केस आता है, ठीक है, उसको नियंत्रण करने के लिए कि लोगों को आंखों से संबंधित कोई समस्या ना आए, उसको लागू, उसको जो है नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी लागू किया है इस राज्य में, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जो है अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। तो ध्यान रखिएगा राइट टू साइट यानी कि दृष्टि का अधिकार, देखने का अधिकार, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बन गया। हर किसी को देखने का अधिकार है, इस अधिकार को सुनिश्चित करना ही क्या है, इसी को सुनिश्चित करने के लिए वहां पे क्या है दृष्टिहीनता, जो लोगों के दृष्टिहीनता के केसेस आते हैं, अंधा होने का केसेस आता है, आंखों से संबंधित समस्याएं आती हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए नीति लागू की गई है राजस्थान के द्वारा। इस नीति में देखिए कुछ लक्ष्य रखा गया है, जो वहां पे व्यापक दर जो है एक तरीके से दृष्टिहीनता की 2020 में जो है कितनी थी 1.1% थी, जिसको कितना करना दोस्तों 0.3% तक करना इस नीति का लक्ष्य है। इसमें देखा जाए एक तरीके से ये पहल देखा जाए क्या है, तो प्रदेश के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की कल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक अभिनव पहल है, ठीक है। तो वहां के जो है चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की यह पहल है, निरोगी कोई भी रोगी न रहे राजस्थान में, इसी सपने को साकार करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत देखिए क्या किया जाएगा, इस नीति के तहत जितने भी वहां पे सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, वहां पे अनिवार्य रूप से ध्यान रखिएगा केराटोप्लास्टी सेंटर, ठीक है, कार्निया जो होता है उसको ट्रांसप्लांट कराना,
यही ये सेंटर है, ठीक है। केराटो, यहाँ पे केराटो प्लास्टी सेंटर, ठीक है, कार्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है और साथ ही साथ आई बैंक जो है संचालित किए जाएंगे जितने भी राजस्थान में कौन से हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, वहां पे ये सेंटर और साथ ही साथ आई बैंक जो है वो संचालित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है, जो वहां पे दृष्टिहीनता के केसेस आते हैं उनके दर को कम करना, ठीक है, और वहां पे क्या करना, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में माघी मेला पर्व मनाया गया। तो माघी मेला पर्व जो मनाया गया है किस राज्य में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर इज डी, पंजाब में मनाया गया है माघी मेला पर्व। और ध्यान रखिएगा ये जो है माघी मेला तो पंजाब में शहर है मुक्तसर, ठीक है, वहां पे हर साल जनवरी या फिर हम कह सकते हैं कि नानक शाही कैलेंडर उसके अनुसार जो माघ के महीने में हर साल जो है माघी मेले का आयोजन किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे 1705 में एक लड़ाई हुई थी, खिदराना की लड़ाई मुगलों से, ठीक है, सिखों के बीच में, तो यहाँ पे जो है 40 सिख योद्धा जो है वो शहीद हो गए थे, तो यहाँ पे जो है उन योद्धाओं की लड़ाई, उन योद्धाओं की याद में जो है सदियों से पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहिब शहर में माघी मेला मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा खिदराना की लड़ाई याद रखिएगा, क्योंकि ये आप स्टैटिक पोर्शन में पूछा जा सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड। 1705 में हुआ था खिदराना की लड़ाई, मुगलों से लड़ते हुए इस दौरान जो है 40 जो है सिख योद्धा शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में हर साल जो है माघी मेले का आयोजन मुक्तसर साहिब शहर में किया जाता है पंजाब के, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद जो खिदराना है उसका नाम बदल के मुक्तसर या मुक्ति कुंड कर दिया गया था, ठीक है, वहीं पे उस शहर का। माघी जो है पूर्व, यहाँ पे माघी मेले के पूर्व जो संध्या है वहां पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, लोहड़ी का जो है आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर्व हो गया, उत्सव हो गया। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि इन सारी चीजों को स्किप ना करो आपके करंट अफेयर्स में, तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें दिख जा रही है, खिदराना की लड़ाई चर्चा में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना शुरू, एक जो है परियोजना की घोषणा की है या फिर शुरू करेगा। तो जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों में चिकित्सा संबंधी जो सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति करेगा, और इस सेवा ये किस परियोजना के अंतर्गत, आरोग्य मैत्री परियोजना, और इसकी घोषणा करने वाला दोस्तों और कौन हो सकता है, देखिए भारत, ठीक है, भारत जो है ये जितने भी जो है साउथ के ग्लोबल साउथ जो कंट्री है, जो डेवलपिंग नेशंस है, जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, वहां पे चिकित्सीय सुविधाएं आपूर्ति करेगा। आईएएस के बारे में बात करते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने देखिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो है एक्सेलेंस सेंटर की बात किया था, उत्कृष्टता केंद्र की बात किया था, और उसी पहल के तहत जो है आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत करने की बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस परियोजना के तहत देखा जाए अगर कोई जो है हमारे जो आस पड़ोस देश हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, उन पे अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ रही है, कोई सुनामी आ गया, कोई वॉल्केनो इरप्शन हो गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ हो गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, या फिर कोई मानवीय संकट आ गया जिस तरीके से अभी पेंडेमिक आया है, तो उस दौरान क्या होगा, इन विकासशील देशों को जो कुछ भी चिकित्सा संबंधी जो समस्या आ रही है, जो कुछ भी उनको चीजें आवश्यकता है, उन सारी जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रदान करेगा भारत, ठीक है, किस परियोजना के तहत, आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था, इसका जो है जिसका नेतृत्व, इस वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट है इसका नेतृत्व भारत ने किया है, और इसे जो है डिजिटल माध्यम से किया गया, और इसी के समापन समारोह के दौरान जब प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे देशों को, तो बताया, उन्होंने बताया ये बात कि भारत जो है अन्य जितने भी विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों के साथ जो उनकी विशेषज्ञता है, जो अपनी यानी कि भारत की जो अपनी जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता है वो साझा करेंगे किसके साथ, इन विकासशील
अरुणाचल देशों के साथ, ठीक है। और उसके लिए एक पहल की शुरुआत करेगा भारत, कौन सी, एक ठीक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत करेगा, जिसके तहत भारत जो है अपने जो कुछ भी जो विशेषज्ञता उसके पास हासिल है उसको साझा करेगा इन विकासशील देशों के साथ। इसी के साथ उन्होंने ये भी बात बोली कि भारत जो है जितने भी विकासशील देश के जो छात्र हैं भारत में उच्च शिक्षा हासिल करें इसके लिए एक जो है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप की भी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को पता है पेंडेमिक के दौरान भारत ने बहुत सारे देशों को जो है चिकित्सीय सहायता प्रदान किया था, ठीक है। तो वहां पे उस पहल की देखिए क्या नाम था, वैक्सीन मैत्री पहल, ठीक है। इसी पहल के तहत देखा जाए भारत जो है 100 से अधिक देशों में जो टीका निर्मित हुए थे भारत में उनकी आपूर्ति किया था, तो वैक्सीन मैत्री पहल चलाई थी जिसमें भारत ने 100 से अधिक देशों को पेंडेमिक के दौरान जो भारत में टीका निर्मित था कोविड का उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की थी, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप भी भारत की पहल है। यहाँ पे हमें देखने को मिला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल देखने को मिल रहा है, उत्कृष्टता के आरोग्य मैत्री, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। आपके मेंस जब आप लिख रहे होंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या भारत का प्रयास है, आने वाले दिनों में इसका जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत का इन जो ग्लोबल साउथ नेशन है यानी कि डेवलपिंग नेशन के साथ किस तरह का संबंध भारत जो है वो सुनिश्चित करेगा। ये बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत बड़े स्टेप लिए जा रहा है सरकार के द्वारा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीटी प्लस मेंस के लिए बन सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। तो यूरोप में देखा जाए दुर्लभ जो पृथ्वी तत्व है उनका काफी कमी है, अभी तक वो आयात करते थे लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए ये बहुत बड़ा खजाना यूरोप के हाथ लगा कि एक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। किस कंट्री में पाया गया है यूरोप के, तो फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में पाया गया है। आइए बात करते हैं, तो स्वीडन में देखा जाए यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। यहाँ पे एक कंपनी है जो कि स्वीडिश सरकार के स्वामित्व की खनन कंपनी जिसका नाम है LKB, ठीक है। उसने स्वीडन का जो उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र है जिसका नाम देखिए क्या है किरुना, वहां से लगभग 10 टन से अधिक जो है दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड यानी कि रेयर अर्थ ऑक्साइड की खोज किया, ठीक है। ये एक तरीके से वर्तमान में देखा जाए, अभी हमने बताया कि चूंकि यहाँ पे दुर्लभ खनिजों या फिर दुर्लभ तत्वों का, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का यूरोप में कमी है जिसके कारण ये बहुत बड़े पैमाने पर आयात करता है। इसमें से भी देखा जाए ये चीन से बहुत ज्यादा आयात करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे खनन नहीं किया जाता था दुर्लभ तत्वों का। रिपोर्ट में भी बताया जाए यूरोपीय संघ के द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला दुर्लभ पृथ्वी जो खनिज है वो उसका 98% जो है चीन से आयात किया जाता है। तो ये चीन के लिए काफी बड़ा झटका है भाई, क्योंकि अगर वहां पे ही खनिज उत्पादन हो जाएगा, इन दुर्लभ तत्वों का जो है खोज हो जाएगी तो बहुत सारा आयात जो है कम हो जाएगा। चीन पर जो निर्भरता है यूरोपीय संघ के देशों की वो क्या है, कम हो जाएगी, तो चीन के लिए तो एक तरीके से हानि का ही चीज है। रेयर अर्थ देखा जाए शब्द उन खनिजों से उत्पन्न होता है जिनसे वे पहले अलग किए गए हैं, ठीक है, जो आम ऑक्साइड प्रकार के खनिज हैं। और ध्यान रखिएगा ये देखा जाए जो स्वीडन के एडरबी गांव में एक खदान में निकाले गए, ठीक है, गैडोलाइट आपका गैडोलोनाइट में पाए गए थे। तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दिख रही आपके लिए। इंपॉर्टेंट देखिए रेयर जो अर्थ तत्व हैं, ठीक है, जो कि देखा जाए आवर्त सारणी जो कि पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं इनके बारे में। तो जो अगर हम बात करते हैं रेयर अर्थ तत्व यानी कि जो दुर्लभ पृथ्वी धातु है वो हमारे आवर्त सारणी जो सारणी है पीरियोडिक टेबल है उसके 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है। ये 17 रासायनिक तत्व हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इन सारी लिस्ट आप पढ़ लीजिए, ठीक है, जैसे कि सेरियम हो गया आपका, डिस्प्रोसियम हो गया, एर्बियम हो गया, ये सारे लिस्ट है। इसमें से देखा जाए कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने आम जीवन में करते हैं, जैसे कि टेलीविजन और आपका फ्लोरोसेंट लैम्प बनाने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्कैंडियम तत्व का उपयोग किया जाता है। वहीं देखा जाए कैंसर के इलाज के लिए भी जिन दवाओं जो दवाई बनती है उसमें जो है एट्रियम तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टार्ट कर लीजिए, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पीसेस में अक्सर पूछे गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो यहां पे हमें यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार जो मिला है वो स्वीडन में मिला है, ठीक है, इस आवर्त सारणी को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हरा करके एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, इतिहास रचा है भारत ने, बहुत ही बड़े अंतर पर जो है एक दिवसीय क्रिकेट मैच को जीता है, किस देश को हराया है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर इज सी है, श्रीलंका को हराया है। तो यहाँ पे बात करिएगा कि यहाँ पे जो ये ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया। फाइनल राउंड में देखा जाए तो भारत और श्रीलंका आमने सामने थे और इस दौरान जो है भारत ने श्रीलंका को हरा करके कितने भाई 117 रन से हराया है और ये सबसे बड़ी जीत अंतर का रिकॉर्ड बना। इतने बड़े अंतर के साथ जीतना भारत के लिए अपने आप में एक इतिहास बन गया है, ठीक है। तो ये देखा जाए जो एक दिवसीय क्रिकेट में एक इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है और इतना बड़ा अंतर कि 317 रन से एक दिवसीय क्रिकेट मैच में हराया है श्रीलंका को। ध्यान रखिएगा इसका फाइनल कहां पे हुआ, तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है। अब तक की अगर हम बात करें जो सबसे बड़े अंतर से जीता जो गया था पिछला रिकॉर्ड, वो देखिए न्यूजीलैंड के नाम पे था। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराया था 290 रन की जो है अंतर के साथ हराया था 2008 में। तो ये अभी तक न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है भारत ने 317, ठीक है, बहुत। अभी भी देखिए 290 कहां 317, तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है। देखिए भारत ने टोटल कितने रन बनाए थे, तो 391 रन बनाए थे 50 ओवर में और ये लक्ष्य किसका था भाई, अब श्रीलंका को बनाना था। लेकिन ध्यान रखिएगा 22 ओवर में सभी ऑल आउट हो जाते हैं, मात्र 73 रन बना करके सब ऑल आउट हो गए और भारत जो है 317 रन से, ठीक है, बहुत बड़े अंतर के साथ इतिहास रचा, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भारत का दिख ही रहा है 2023 में जो हुआ है मैच जिसमें श्रीलंका को भारत ने हराया है 317 पे। वहीं हमें न्यूजीलैंड दिख रहा है आयरलैंड के साथ 2008 में, अभी भी देखिए बहुत बड़ा इनके बीच में भी हमें अंतर दिख रहा है, ठीक है, 290। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तीसरे नंबर पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अफगानिस्तान को 2015 में हराया था 275, 272 दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे को हराया था, ठीक है, फिर दक्षिण अफ्रीका 258 श्रीलंका। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा आपके लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड अगर आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के दायरे में आ जाएगा, 2028, 27, 26 या 25? कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज डी, 2025 सर। तो यहाँ पे जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने बताया कि भारत जो पूरा समूचा देश है यानी कि जो भारत है वो 2025 तक यहाँ पे डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के दायरे में आ जाएगा। तो पूरा जो भारत है इस रडार के दायरे में आ जाएगा, पूरी निगरानी में आएगा। अब ये क्या होगा इससे, तो ये ध्यान रखिएगा इससे क्या होगा, जो मौसम की कठिन जो परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, तो एक तरीके से वेदर को फॉरकास्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, भविष्यवाणी की जा सकेगी, जो परिस्थितियां होंगी मौसम की कठिन परिस्थितियां उनकी सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी, आपदा के बारे में हमें भविष्यवाणी किया जा सकेगा। तो आपदा के पहले प्रबंधन होने में ये काफी ज्यादा हमें सहयोग करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी जो घोषणा की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, तो नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के जो 148वें स्थापना दिवस के अवसर पे किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय मौसम विभाग है इसने देखा जाए तो यहाँ पे डॉपलर वेदर जो है रडार का नेटवर्क बढ़ाया था अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, और इसके वजह से इस रडार नेटवर्क की वजह से जो प्रतिकूल मौसम है उनकी परिस्थितियों के बारे में और घटनाओं का हमें अधिक सटीक भविष्यवाणी करने में इससे मदद मिल सकती है। तो आपदा पूर्व प्रबंधन इससे हो सकेगा, हमें पता होगा कि अगर हमें मौसम किस तरह की स्थिति होने वाली है उसके बारे में अगर हमें पहले से ही पता चलेगा तो हम पहले से सतर्क हो जाएंगे और समूचे भारत को इस रडार नेटवर्क के अंतर्गत 2025 तक लाया जा सकेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे भारतीय मौसम विभाग के बारे में जिसका भी हाल फिलहाल में 148वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों, 15 जनवरी 2023 को मनाया गया था, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग का 148वां स्थापना दिवस। इसकी स्थापना देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी 1875 में की गई थी और इस दिवस का जो आयोजन किया जाता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ही द्वारा किया जाता है और ये पृथ्वी जो है विज्ञान मंत्रालय के अधीन ही ये विभाग कौन सा दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग, ये उसी विभाग के अंतर्गत कार्य भी करता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नील कुरुंजी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। नील कुरुंजी फूलों के बारे में पता होगा, ठीक है, तो उसको संरक्षण देने के लिए, जो उसको हानि पहुंच रही थी उस हानि से संरक्षण देने के लिए अभी हाल फिलहाल में सरकार ने इसको वन्य संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में सूचीबद्ध कर दिया है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर सी है, अनुसूची 3 के अंतर्गत इसे सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंत्रालय है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसने हाल फिलहाल में यह फैसला लिया कि जो है नील कुरुंजी, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत क्या किया जाएगा, इसे संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया जाएगा, ठीक है। नील कुरुंजी की दोस्तों बात किया जाए, नील मतलब होता है नीला, कुरुंजी मतलब होता है फूल, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे स्ट्रेबी, ठीक है, स्ट्रेबोलेंथ्रेस कुंथियाना, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इस पौधे को संरक्षित करने के लिए संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है किस अधिनियम के तहत, तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 3 में, ठीक है। किसके फैसला दिया है ये, तो ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये फैसला जो केंद्र का है, इससे क्या होगा, जो नील कुरुंजी पौधे हैं उसको बचाने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है, जो कि जिस तरीके से इसको इसका हानि हो रहा था, ठीक है, इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उससे नुकसान से इसको संरक्षण मिलेगा। अगर किसी ने इस पौधे को, अब जब ये अनुसूची 3 में शामिल हो गया है तो क्या होगा कि इसको संरक्षित किया जाएगा, और अगर इसको किसी ने उखाड़ने की कोशिश किया या फिर नष्ट करने की कोशिश किया गया तो उसको देखा जाए दंड दिया जाएगा, जिससे फाइन भी लगेगा, 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा, 3 साल की कैद होगी, देखिएगा, ठीक है। तो जब भी आप घूमने जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाह वाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है फूल, फूल जिन लोगों को अच्छे लगते हैं उखाड़ लेते हैं, तो कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, तो उखाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, बस देख के खुश होइएगा। नील कुरुंजी की बात किया जाए तो ये पौधा देखिए मंगला देवी जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट में, वहां से लेकर के नीलगिरी पहाड़ियों के पश्चिमी घाट में, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही छोटे से हिस्से में है, एंडेमिक, ठीक है, स्थानिक प्रजाति है ये, एंडेमिक है ये, हर जगह नहीं मिलती है ये, इसमें से देखिए इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय प्रजाति है वो नील कुरुंजी, ठीक है, स्ट्रोबोलिंथेस कुंथियाना है, जो कि ध्यान रखिएगा 12 साल में एक बार खिलती है। तो अभी देखा जाए, ये माना जा रहा है 2030 में खिलेगी, तो आप लोग को देखना होगा, तो 2030 में जाइएगा, ठीक है। कौन से उद्यान में, तो यहाँ पे एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है केरल का, वहां पे जो है कुरुंजी का व्यापक रूप से खिलता है, तो आप लोग 2030 में जाइएगा तो 12 साल के बाद ये पुनः खिलेगा, तो आप लोग को देखने को मिलेगा, काफी खूबसूरत होता है, पूरी पहाड़ी जो है पूरी नीली दिखने लगती है, ठीक है, इसकी वजह से, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये पर्यावरण जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में कब भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर इज 15 जनवरी को, ठीक है। देखिए भारतीय मौसम विभाग भी इसी दिन स्थापित हुआ, भारतीय सेना दिवस भी हम मना रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये 75वां सेना दिवस मनाया गया है इस साल 2023 में 15 जनवरी को पूरे देश में 75वां सेना दिवस इंडियन आर्मी डे मनाया गया है। और ये दिवस जो है उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो निस्वार्थ देश की सेवा करते हैं, ठीक है, निस्वार्थ सेवा भाव से देश की सेवा करते हैं, उनके ही सम्मान में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। भारतीय सेना दिवस की बात किया, भारतीय सेना की बात किया जाए तो इसका जो है स्थापना लगभग 127 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 में की थी, ठीक है। और अभी हम बात करें, ध्यान रखिएगा इस वर्ष जो है जो परेड होगी भारतीय सेना की, 75वीं भारतीय सेना दिवस जो मनाया गया है वो बेंगलुरु में मनाया गया है, ठीक है। और इस वर्ष जो है इस सेना दिवस के उपलक्ष्य में जो परेड होती थी वो पहली बार दिल्ली से बाहर कहाँ हो रही दोस्तों, बेंगलुरु में हो रही, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली बार। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि टेनिस में नोनथोबुरी थाईलैंड में आयोजित पुरुष डबल बैंकॉक ओपन खिताब जीता है किसने, भारतीय जोड़ी ने जीता है, यूकी भांबरी और साकेत माझी ने। वहीं हैदराबाद के जो 8वें निजाम थे जिनका 89 वर्ष की आयु में इस्तांबुल तुर्की में निधन हो गया, उनका नाम क्या था दोस्तों, मुकर्रम जहां बहादुर, ये हैदराबाद के 8वें निजाम थे और तुर्की के इस्तांबुल में इनका निधन हो गया है। अपनी आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा है, क्या नाम है, ऑस्वे शनिथने कथा हेतु पहला
जो फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड जीता है किसने? प्रसिद्ध लेखक हैं के वेडू ने। अभी हाल ही में देखा जब देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई गई है टाटा पावर के द्वारा, ठीक है। तो 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया जाएगा टाटा पावर्स के द्वारा। और अभी देखा जाए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज के हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, अपना रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।